है कि 130 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन का सीपीसी प्रोजेक्ट बलोच विद्रोहियों को निशाने पर है। देखिए रिपोर्ट। बलूचिस्तान में फंस गया पाकिस्तान। खतरे में सीपैक परियोजना। बलोच लिबरेशन आर्मी की चीन को धमकी। बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा में सिंध। जी हां, बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। बलोच विद्रोही चीन के सीपैक प्रोजेक्ट को निशाना बना रहे हैं। इसी साल 23 जून को पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था, लेकिन ये दाव भी पाकिस्तानी सेना के लिए उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट और तहरीके तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बीएलए ने पिछले दो दिन में जो बदर मचाया है, उससे तो पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए। बीएलए ने दावा किया कि बलूचिस्तान के तुर्बत में पाकिस्तानी कैंप पर फिदायीन हमला किया और 130 सैनिकों को ढेर कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस दावे पर चुप्पी साध रखी है। अब बीएलए ने चीन को धमकी दी है कि अगर वो ग्वादर और बलूचिस्तान को छोड़कर नहीं गए तो उनकी खैर नहीं। सीपैक पर काम कर रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा। बलोच विद्रोहियों की इस धमकी के बाद चीन के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा देना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। सीपैक की वजह से अब तक कई चीनी नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। सीपैक में भारी भ्रष्टाचार और विद्रोहियों के भारी विरोध की वजह से अब परियोजना पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। दुनिया की नजरों में अपनी साख बचाने और जबरदस्त जमीनी चुनौतियों के बीच पाकिस्तानी सेना का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि रूस से जंग के बीच यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का बड़ा दावा कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइल उसने खुद तैयार की और उस कामयाबी की जानकारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दी। ये जंग के बीच रूस के लिए सबसे बड़ी परेशानी वाली खबर साबित हो सकती है, क्योंकि रूस के साथ जंग के दौरान हथियारों के लिए पूरी तरह पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने वाले यूक्रेन ने वो ताकत हासिल कर ली जिसकी जरूरत उसे सबसे ज्यादा थी। और किसानों पर कंगना रनौत के बयान के बाद सियासी पारा हाई है। एक तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है तो दूसरी तरफ अब बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है। लेकिन क्या कंगना आगे ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि विवादों से उनका इतना पुराना नाता है कि जब जब क्वीन ने जुबान खोली बखेड़ा खड़ा हो गया। Kangana touches something, it becomes a controversy. मैं judgmental नहीं हूँ, इसलिए कंगना को absolutely mental मानती हूँ। हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। कभी किसानों पर बयान, कभी जवानों पर बयान, कभी आजादी पर दिव्य ज्ञान। कंगना के अंगना में विवादों ने यूं घर कर लिया कि क्वीन जब भी बोली विवादों से पूरी जनता डोली। इस बार भी विवादों की क्वीन सवालों के घेरे में है। वजह है उनका किसान आंदोलन पर एक बयान जिस पर अब सियासी घमासान जारी है। कंगना रनौत का अपना बयान था, पार्टी ने उनको स्पष्ट चेतावनी भी दे दी कि वह इस प्रकार के बयान नहीं दे सकती। और पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया कि हम लोग तो सब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में विश्वास करते हैं, और कंगना रनौत को आगे से ऐसे बयान देने के लिए मना कर दिया गया। देखिए, बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके डीएनए में कांग्रेस का विरोध है और सरमाएदारी यानी क्रॉनिक कैपिटलिस्टों का साथ है। इसीलिए कंगना रनौत
हमारे किसानों को आतंकवादी कहती है, कभी खालिस्तानी कहती है, कभी धरने पर बैठे लोगों को देशद्रोही कहती है, और ये खाली कंगना रानावत ही नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 100 बड़े नेता कहते हैं, मीनाक्षी लेखी भी ऐसी कहती है। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसानों को अपने देश का अंग मानने के लिए ही तैयार नहीं है। दरअसल एक मीडिया हाउस को दिए बयान में कंगना ने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ, प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई और वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। कंगना का ये बयान आते ही बवाल मच गया, लिहाजा बीजेपी ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब कंगना विवादों में आई हो। तो मतलब ये आप फिल्म्स कर रही हैं कि ये कुछ रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? बट ऑन अ वेरी वेरी जेन्युइन नोट, आई थिंक कंगना टेक्स अ स्टैंड ऑन एवरीथिंग व्हिच इज सो एडमायरेबल, सो कंगना ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट। मतलब इतना स्टैंड लेती हैं कि अब तो बॉलीवुड में भी वो जो है आउटस्टैंडिंग कह दी गई हैं। आज भले ही कंगना का विवाद सियासी हो, लेकिन कभी अपनी ही इंडस्ट्री में पंगे का पर्याय बन चुकी थी। फिर चाहे फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का मौका हो या फिर फिल्म के गाने की लॉन्चिंग, और पंगा चाहे इंडस्ट्री से हो या फिर किसी पत्रकार से, कंगना की। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे महारो